हाँ तो जी, कैसे हैं आप सब लोग? आई थिंक आप सब लोग ठीक होंगे। तो देखिए, अब दिवाली जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो ऑब्वियसली अब दिवाली ख़त्म हो गई, तो दिवाली ख़त्म होने का मतलब ये होता है कि अब काफ़ी दिनों तक हमने नॉनवेज वगैरह नहीं खाया होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोबारा से नॉनवेज से। तो अब इस पूरे हफ्ते में मैं आपको जो है बेसिकली मैं डिक्लेयर कर रहा हूँ उसको एज अ फिश वीक। तो इस पूरे हफ्ते में मेरे चैनल पर जो भी आपको रेसिपीज़ मिलेंगी सब फिश की रेसिपीज़ होंगी। तो बेसिकली मैं आपको 3 डिफरेंट फिश की रेसिपीज इस पूरे हफ्ते में दिखाने वाला हूँ। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहली रेसिपी से। जो सबसे पहली रेसिपी मैं आपको इसमें बताऊँगा वो होगी फ़िश मेथी करी। तो बेसिकली इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, मैं फ़िश का यूज़ करूँगा ऑब्वियसली, और इसके साथ में मेथी का एक साग बनाऊँगा और उस साग में मैं फ़िश को कुक करूँगा। ठीक है, तो एक बहुत ही बढ़िया, एक बहुत ही अच्छी स्पाइसी सी ग्रेवी इसकी बनती है और बहुत ही स्वादिष्ट होती है। सर्दियों में स्पेशली खाई जाती है, बिकॉज एज यू नो कि फ़िश भी हम सर्दियों में ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, प्लस मेथी वगैरह भी सर्दियों में आती है। तो एक बहुत ही एक अच्छा कॉम्बिनेशन मैंने बनाने का प्रयास किया है। तो आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं विद द रेसिपी। तो ये मेथी फ़िश करी बनाने के लिए हमको सबसे पहले डालना पड़ेगा एक बड़े से बर्तन में तेल। ये तेल मैंने डाल दिया है, ये थोड़ा सा जैसे गर्म हो जाएगा इसमें मुझे डालना है कुटा हुआ लहसुन। तो लहसुन मैं यूज़ कर रहा हूँ एक पूरी गड्डी, और तकरीबन फ़िश जो मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ तकरीबन 750 ग्राम। तो जो मुझे इसमें लहसुन कुटा हुआ ही प्रेफरेबली यूज़ करना है, और मुझे इसमें ग्राइंड किया हुआ लहसुन या कटा हुआ लहसुन यूज़ नहीं करना, क्योंकि पिसे हुए लहसुन में एक बेटर टेस्ट आएगा। उसके साथ साथ मैं इसमें डाल देता हूँ थोड़ी सी हींग, हल्की सी, ज़्यादा नहीं, और मुझे इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेना है। अब मुझे इस लहसुन को मामूली सा सॉटे करना है, मुझे इसको एकदम से ब्राउन नहीं करना है। तो इस बात का खास ध्यान रखना अपने को कि इसको थोड़ा सा सॉटे करना है तब 1 मिनट तक, ताकि इसकी खुशबू बाहर आ जाए। इसको जलाना नहीं है, इसको ब्राउन नहीं करना अपने को, तो उस चीज़ का थोड़ा सा खास ध्यान रखना है। इसके लिए हो सके तो उसको सिम फ्लेम पर ही थोड़ा सा सॉटे कर लें 1 मिनट तक। और लहसुन का प्रयोग इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो जितना ज़्यादा हो सके आप लहसुन थोड़ा ज़्यादा ही इसमें डलता है, और उसी से ही फ्लेवर आता है एक्चुअली। लहसुन और टमाटर का ही ग्रेवी इसमें बनती है। तो जब इसको सॉटे करते हुए मुझे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसकी खुशबू आ गई बाहर और ये ब्राउन पूरी तरीके से हुआ नहीं, तो इसमें टाइम आ गया मेथी डालने का। तो इसी पॉइंट पे हमको हमारी जो मेथी है ऑलरेडी वॉश करी हुई कटी हुई वो हमको इसके अंदर डालनी है। तो तकरीबन जो है 250 ग्राम मेथी मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। और आपको अभी लग रहा होगा कि मेथी इसमें बहुत ज़्यादा डाल दी है मैंने, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मेथी एक ग्रीन लीफी वेजिटेबल है, तो ये श्रिंक हो जाएगी तेल में डालते ही थोड़ा सा। तो अभी आप देखिए किस तरीके से इसकी क्वांटिटी एकदम से कम हो जाएगी। तो ये मैंने इसको तेल में हल्का सा भूनना है, और ये आप देख सकते हैं कैसे एकदम से रिड्यूस हो गई। तो अब इस मेथी को मुझे तकरीबन जो है 1 से 1.5 मिनट तक भूनना है। देखिए मेथी कैसे रिड्यूस हो गई, पहले कितनी ज़्यादा लग रही थी, अब कितनी कम हो गई एकदम से तेल में थोड़ा सा भूनते ही। तो ये किसी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल की प्रॉपर्टी होती है, थोड़ा सा तेल में भूनते एकदम से रिड्यूस हो जाती है वो। तो जी, अब मेथी को भूनते हुए मुझे 1 से 1.5 मिनट हो चुका है, और ये काफ़ी देखिए रिड्यूस हो चुकी है और इसकी खुशबू भी बाहर आ गई है। तो अब इस पॉइंट पे हमको इसके अंदर डालना है टमाटर और हरी मिर्च। तो ये मैंने जो है इसमें, मेरे पास टमाटर और हरी मिर्च है, इसमें 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है और 4 हरी मिर्ची हैं। तो हरी मिर्च तो एज़ पर योर टेस्ट आप बैलेंस कर सकते हैं कम ज़्यादा, बट टमाटर इसमें आपको काफ़ी डालना पड़ेगा। तो 3 मीडियम साइज़ का टमाटर है करीब 700 ग्राम फ़िश के लिए। तो आप अगर क्वांटिटी कम ज़्यादा बना रहे हैं तो उस प्रपोर्शन में आप इसे मैनेज कर लें। तो मुझे इसको अच्छे तरीके से टमाटरों को इसमें मिक्स कर देना है। और हाँ, इस पॉइंट पर मैं इसमें नमक नहीं डालूँगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने फ़िश में नमक डाला हुआ है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ग्रेवी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट हो जाए। इसके लिए मैं वो नमक वाली फ़िश बाद में इसमें डालूँगा, और बाद में एंड में मैं नमक चेक कर लूँगा, अगर कम ज़्यादा होगा तो मैं उसे बैलेंस कर लूँगा। फ़िलहाल मैं इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डालूँगा, और इसको ऐसे ही पकाऊंगा जब तक कि टमाटर प्रॉपरली कुक नहीं हो जाते। तो इसमें तकरीबन 10 मिनट का समय लगेगा। तो टमाटरों को थोड़ा जल्दी पकाने के लिए मैं इस पर ढक्कन लगा दूंगा। तो जब टमाटरों को पकाते हुए मुझे 7 से 8 मिनट का टाइम हो चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि टमाटर कितने अच्छे तरीके से गल चुके हैं, और टमाटरों ने हल्का हल्का तेल भी छोड़ दिया। इसका मतलब कि टमाटर प्रॉपरली कुक हो चुका है इसके अंदर। तो अब जो पॉइंट आ गया है, इस पॉइंट पर मुझे इसके अंदर डालने हैं मेरे सारे मसाले। तो मसाले डालने से पहले मैंने गैस की फ्लेम थोड़ी स्लो मेंटेन करी हुई है। मसालों में सबसे पहले इसमें जाएगी हल्दी, और हल्दी के बाद इसमें जाएगा तकरीबन
तीन बड़े चम्मच धनिया पाउडर, 3 से 3/4 चम्मच, और फिर उसमें जाएगा तकरीबन 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर अगेन एज़ पर योर टेस्ट, जितना आप तीखा खाएं उतना उस हिसाब से आप इसे बैलेंस करना है, कम या ज़्यादा। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डालूंगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टमाटर जो मिलते हैं इतने खट्टे नहीं होते, तो अगर आपके पास टमाटर देसी वाले हैं, इंडिया वाले खट्टे, तो इसमें अमचूर आप नहीं डालें चलेगा। तो फिर मसालों को डाल के मुझे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है, और थोड़ा सा तकरीबन 1 मिनट तक मुझे इसको स्लो फ्लेम पे ही इनको कुक करना है, ताकि मसाले मेरे अच्छे तरीके से पक जाएं, इनमें से जो कच्चापन है थोड़ा सा वो निकल जाए। अगर आपको लगे कि आपके मसाले जो है नीचे चिपक रहे हैं, तो इसमें आप मामूली सा पानी डाल दीजिए, ताकि ये नीचे लगेगा नहीं। क्योंकि मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब इस मिक्सचर को मैं तकरीबन 1 मिनट ऐसे ढक के स्लो फ्लेम पर रख देता हूँ, ताकि मेरे मसालों का कच्चापन प्रॉपरली निकल जाए। तो ये तकरीबन 1 मिनट का समय हो गया है मसाले डाले हुए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा मसाला भी अच्छी तरीके से देखिए भुन चुका है। अब टाइम आ गया है इसके अंदर हमें हमारी फ़िश डालनी पड़ेगी। तो ये फ़िश ऑलरेडी मैंने इसको सॉल्ट लगा के रख लिया था। ये जो फ़िश मैं इसमें यूज़ कर रहा हूँ, ये किंग फिश है, उसको मैंने फिले कर लिया है। फिले कर लिया इन द सेंस कि इसके मैंने बोन्स या कांटे जो होते हैं वो मैंने निकाल लिए हैं। तो आपको चाहिए तो आप नॉर्मल फ़िश भी जो भी आपके आसपास अवेलेबल है यूज़ कर सकते हैं, वो मैटर नहीं करता। फ़िश आप जो भी चाहें यूज़ कर सकते हैं, चाहे फिले यूज़ करें, चाहे नॉर्मल कांटे वाली फ़िश यूज़ करें, कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं। जनरली मुझे कांटे वाली फ़िश इतनी पसंद नहीं है, तो मैं इसमें फिले यूज़ करता हूँ। तो ये तकरीबन 750 ग्राम फ़िश है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। तो ये फ़िश मैंने इसके अंदर अब डाल दिया है, मुझे इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। इसको अच्छे तरीके से मुझे मसाले में पूरा लपेट देना है। उसको जो है मैं अच्छे से मसाला जो मैंने डाला बनाया था इसमें फ़िश को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगा। और फ़िश डालने के बाद मैं तकरीबन ऐसे 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा पकने के लिए छोड़ दूंगा, ताकि ये अच्छे तरीके से थोड़ी सी पकना स्टार्ट हो जाए। अब फिश जो होता है, क्योंकि बहुत ही टेंडर मीट होता है, तो इसे पकने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तो ये 10 से 15 मिनट में फिश पक जाती है पूरी डालने के बाद। तो 2 मिनट में ऐसे छोड़ूंगा ऐसे ऐसे ही, उसके बाद मैं इसमें ग्रेवी के हिसाब से पानी डाल दूंगा। तो फ़िश रखे हुए मैंने तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं इसके अंदर। तो उसे एक बार फिर से हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है, और हाथ बिल्कुल हल्के चलाने हैं, क्योंकि फ़िश एज आई टोल्ड यू बहुत ही टेंडर मीट होता है, तो ये बहुत जल्दी ब्रेक भी हो जाएगा अगर आप इसको सही से हैंडल नहीं करेंगे। तो इसको हैंडल करना जो है थोड़ा सा ट्रिकी रहता है एक्चुअली। अब मुझे इसमें पानी डालना है जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए। तो फ़िश जो होती है, फ़िश में टेंडेंसी होती है कि अपना पानी भी रिलीज करती है, तो अब आपको पानी इसमें इसी हिसाब से डालना है कि फ़िश भी थोड़ा अपना पानी रिलीज करेगी। बस आपको थोड़ी सी ग्रेवी थिक चाहिए, क्योंकि मुझे थोड़ी थिक ग्रेवी पसंद होती है। अगर आपको बहुत ही वाटरी ग्रेवी चाहिए, तो आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी भी डाल सकते हैं, और जनरली मुझे थिक ग्रेवी पसंद है, तो मैं इसमें हिसाब से ही पानी डालूंगा। तो ये देखिए मैंने इसमें पानी डाल दिया है एक बैच, और मैं इसे थोड़ा सा चला के देख लेता हूँ कि क्या पोजीशन है। इसमें मैं हल्का सा पानी और डालूंगा। तो अब देख लीजिए मैंने इसमें पानी डाल के इसको अच्छे से मिला दिया है, तो इसमें जो ग्रेवी है काफ़ी डेंस कंसिस्टेंसी की बन रही है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जो फिश होती है वो भी थोड़ा अपना पानी छोड़ती है, तो अब मुझे इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट तक पकाना है, और फ्लेम थोड़ी सी तेज़ करूँगा, ज़्यादा नहीं। अभी मुझे इसको स्लो फ्लेम पर कुक करना है, बट हल्की सी मैं फ्लेम तेज़ कर दूँगा, और इसे मैं ढक के तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाऊँगा, और ये मेरी फ़िश तब तक रेडी हो जानी चाहिए। तो जब इस पर फिश को पकाते हुए मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट का टाइम हो चुका है, और देखिए जैसा कि मैंने आपको कहा था कि फ़िश में टेंडेंसी होती है अपना पानी छोड़ दी है, तो देखिए फ़िश ने भी अपना पानी काफ़ी छोड़ दिया। तो ग्रेवी पहले कितनी ज़्यादा थिक लग रही थी, अब देखिए कितनी एकदम से इसमें काफ़ी पानी सा आ गया है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें आप जो है पानी शुरू में कम डालें, क्योंकि ऐसा ना हो कि फ़िश भी अपना पानी छोड़े और आपकी जो ग्रेवी है बिल्कुल पूरी पानी पानी हो जाए। तो अभी काफ़ी बेटर हो गई एक्चुअली। तो अब एक पीस अगर मैं ऐसा निकालता हूँ रैंडमली, और इसमें ट्राई करता हूँ चेक करने के लिए, तो देखिए कितना अच्छी तरीके से ये पीस कट हो रहा है। तो उसका मतलब कि फ़िश हमारी प्रॉपरली कुक हो चुकी है। तो अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे इसमें
कुछ भी नहीं करना, इसमें मुझे डालना है इसके ऊपर अब गार्निशिंग के हिसाब से पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, क्योंकि इसमें खड़े गरम मसाले बिल्कुल भी यूज़ में नहीं होते हैं, इसके लिए हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला ही इसके ऊपर से हम डालते हैं कुछ इस तरीके से। वो भी अगेन आपको एज़ पर जो टेस्ट डालना है, अगर आपको नहीं पसंद है गरम मसाला तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं, कम्प्लीटली योर चॉइस। और सबसे लास्ट में मुझे इसके अंदर डालना है बारीक कटा हुआ धनिया, वो मैं इसमें डाल दूँगा कुछ इस तरीके से। और फाइनली मुझे इस गैस को अब बंद कर देना है और इसे ढककर लगा देना है। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जितना ज़्यादा हो सके। थैंक यू सो मच।